नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। सागर में अनुसूचित जाति के युवक की हत्या पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा। मायावती ने कही ये बात। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक अनुसूचित युवक की हत्या से भोपाल से लेकर लखनऊ तक की सियासत तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी इस मामले को लेकर शिवराज सरकार पर तीखा हमला किया है। दिग्विजय सिंह ने तो ये भी कहा है कि संत रविदास महाराज का मंदिर बनाने से इन गरीबों का भला नहीं होगा, इन्हें अधिकार देना पड़ेगा। दरअसल सागर जिले की खुरई तहसील में ग्राम बरौदा नौनागिर में एक अनुसूचित जाति के परिवार की युवती के साथ कुछ समय पहले आरोपी पक्ष के युवक ने छेड़छाड़ की थी। इसकी शिकायत पीड़िता ने थाने में की थी। इसी मामले में आरोपी पक्ष पीड़ित परिवार पर राजीनामा करने का दबाव बना रहा था। इसी बात को लेकर गुरुवार 24 अगस्त की रात को आरोपी पक्ष के विक्रम सिंह, कोमल सिंह, आजाद सिंह सहित अन्य लोगों ने एकमत होकर पीड़ित परिवार के नितिन अहिरवार उम्र 18 वर्ष के साथ बस स्टैंड के पास मारपीट की। आरोप है कि बेटे को बचाने आई मां को भी निर्वस्त्र कर पीटा गया। मारपीट के दौरान गंभीर चोट लगने से नितिन अहिरवार की मौत हो गई। बेटे को बचाने आई मां का हाथ टूट गया। मामले में पुलिस ने नामजद 9 आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले में 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में शामिल आरोपियों में सरपंच पति और उसका बेटा भी शामिल है। घटनाक्रम के बाद गांव में तनाव का माहौल है। गांव में पुलिस बल तैनात है। शनिवार 26 अगस्त को कलेक्टर दीपक आर ने पुलिस अधिकारियों के साथ गांव में पहुंचकर घटनाक्रम और स्थिति की जानकारी ली। सागर के एडिशनल एसपी लोकेश सिन्हा के मुताबिक पुरानी रंजिश में विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष ने युवक के साथ मारपीट की। मारपीट में आई चोटों के कारण युवक की मौत हो गई। मामले में खुरई पुलिस ने 9 आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है। कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया है। इस मामले में राजनीतिक तौर पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करके कहा कि सागर जिले के सुर्खी के ग्राम बड़ोदिया नौनागिर में एक अनुसूचित युवक की पीट पीट कर हत्या की गई और उसकी मां को भी पीटा गया। मैंने पीड़ित परिवार से बातचीत की और कांग्रेस का एक दल जाकर पीड़ित परिवार से मिला। पूरे मामले में प्रशासनिक मशीनरी का व्यवहार अत्यंत अवांछित रहा। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार में खासकर सागर जिला अनुसूचित उत्पीड़न की प्रयोगशाला बनता जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री को आगाह करता हूं कि वह अनुसूचित समाज के प्रति दुराग्रह छोड़कर न्याय के रास्ते पर चलें और प्रदेश में पीड़ित परिवारों को समुचित सुरक्षा उपलब्ध कराएं। सागर के पीड़ित परिवार को समुचित मुआवजा दिया जाए। बीजेपी सरकार प्रमाण है मायावती। इस मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी बैक टू बैक 3 ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक को घेरा। मायावती ने अपने पहले ट्वीट में कहा कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहां अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने संत गुरु रविदास के स्मारक बनाने की नींव बड़े ही तामझाम से रखी, वहीं उसी क्षेत्र में उनके भक्तों के साथ जुर्म जाति चरम सीमा पर है, जो बीजेपी और उनकी सरकार के दोहरे चरित्र का जीता जागता प्रमाण है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।